नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं इस समय संसार क्रांति न्यूज। और जैसा कि आज का जो दिन है हरियाणा की, यदि हम बात करते हैं, छठे चरण में लोकसभा जो चुनाव हुआ है वो होने जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक जो मतदाता जो मतदान डाल रहे हैं वो प्रक्रिया पूरी चली हुई है। तो हमारी टीम आज हरियाणा की यदि बात करते हैं, सोनीपत लोकसभा जो सीट है इसको हॉट सीट माना गया है, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहीं से चुनावी मैदान में है। वहीं यदि जननायक जनता पार्टी की बात करते हैं, दिग्विजय चौटाला और बीजेपी से हैं रमेश कौशिक। तो जानते हैं कि क्या कुछ माहौल बना हुआ है, क्योंकि हॉट सीट को जानते हुए भी ग्रामवासियों की क्या कुछ राय निकल करके आती है। हाँ जी सर, क्या सुना मैं रमेश जी, क्या कहना चाहोगे जो चुनावी माहौल, हॉट सीट जो माना जाता है सोनीपत को, तो ऐसे में बातें निकल कर आती हैं भाई किसी की रड़क किसी का काटा निकालने की बात यहीं से आई थी, तो कैसा माहौल चला आपके गांव में? माहौल बहुत बढ़िया, हमारे प्यार प्रेम से सारे वोटिंग कर रहे हैं जी, कोई किसी का द्वेष नहीं है और सब अपने अपने बंदों को ले रहे हैं और वोट डलवा रहे हैं। बिल्कुल, किसी तरह की कोई समस्या नहीं भाईचारे का, कोई समस्या तो हमारे भाईचारा चुनाव कोई। बिल्कुल सर, बढ़िया। हाँ जी भाई साहब, कैसे चल रहे हैं चुनाव? एक नंबर का चल रहा है भाई साहब। चलो बढ़िया है भाईचारा। हाँ जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया, तो जो भाईचारे के हिसाब से जो मतदान होना था वो उसी तरीके से चल रहा है। उसी तरीके से बढ़िया। चलो बढ़िया। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे आज के चुनावी दौर को लेकर के? बड़े शांतिपूर्वक चुनाव हो गया जी। बिल्कुल, तो लगता है आपने 6 बजे तक जो वोट जो पड़नी है आपके गाँव की वो पड़ जाएंगी? हाँ बिल्कुल पड़ जाएंगी। आइए एक बार 70% के पास। जी जी, 70% के पास पहुंच लगभग 70% वोट पोल हो जाए। 60% तो पोल हो गई, 7% तो पोल हो गई। बिल्कुल, चलिए एक दो। हाँ जी, ये इनसो के युवा नेता हैं मोनू जी। नमस्कार शर्मा जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? तो जो हमारे आज लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं हमारे गांव में शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हुए हैं। यहाँ पर भाईचारा की मिसाल दिया हमारे गांव में, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस सभी दलों के व्यक्ति है और उन्होंने एक भाईचारे की मिसाल दी है। और हमने सबसे पहले राजनीति है पहले भाईचारा अपनाने का काम किया है। और यहाँ पर लगभग 4 बजने का समय कोई भी तनाव और स्थिति नहीं है, सब मेलजोल का काम किया है। बिल्कुल, चलिए। हाँ जी सर, आपके गांव निडाना में क्या लगता है आपको, जैसे चुनाव इससे पहले भी हुए हैं लेकिन सोनीपत यदि लोकसभा की सीट की यदि हम बात करते हैं तो इसको हॉट सीट माना जाता है, ऐसे में लड़ाई झगड़े की भी यदि चांस की यदि हम बात करते हैं, तो आपके गांव निडाना में किस तरह का माहौल बना हुआ है चुनावी प्रक्रिया को लेकर? निडाना गाँव में भाईचारे का इलेक्शन चल रहा है और यहाँ ज्यादा से ज्यादा वोटों से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लीड लेके जाएंगे। अच्छा, 3:30 बज चुके हैं, क्या लगता है आपको 3:30 बजे तक जो शाम का जो समय वो 6 बजे तक जो मतदान है वो होंगे, तो क्या लगता है आपको कितने परसेंटेज जो मतदान हुआ अभी तक? अभी तक 70% मतदान हुआ है। तो टोटल क्या लगता है 6 बजे तक कितने परसेंटेज हो पाएगा? 6 बजे तक 80% 85% मतदान हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, माहौल को देख करके यदि हम राजनीतिक पार्टियों की यदि हम बात करते हैं, कौन सी राजनीतिक पार्टी का आपको आपके गाँव से माहौल अच्छा लग रहा है? हमारे गाँव निडाना में तो ज्यादा से ज्यादा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का माहौल है और दूसरे नंबर पे पता नहीं कौन रहेगा, बीजेपी है या भाजपा है, बाकी सबसे आगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए। तो ये थे हमारे साथ अभी तरह तरह के मतदाताओं से भी मिलवा है, कोई किसी पार्टी का एजेंट है तो किसी पार्टी से है, तो तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए संसार क्रांति के साथ। तब तक संसार क्रांति के लिए सोनीपत लोकसभा से मैं अजय भारद्वाज।